हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रिएक्ट करूंगी ला हासिल ट्रैक पर, और इस ट्रैक को गाया है सनी खान दरानी जी ने, और मैंने इनके गाने कभी सुने नहीं हैं, कभी रिएक्ट भी नहीं करा। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फ्रेश न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एंड फॉर यू। मतलब आप मुझे पहली बार इनके गाने पर रिएक्ट करते हुए देखेंगे, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। इस पर रिएक्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रिक्वेस्ट आई थी पाकिस्तान से दो चार के, यार ला हासिल करो प्लीज रिएक्ट। तो मैंने कहा थोड़ा क्रेज है इस गाने का, एक बार रिएक्ट करके देखते हैं, सुनते हैं म्यूजिक को, एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसा है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तब तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, लेट्स स्टार्ट इट। काश ये भी गजलों का दौर होता, काश आधी लफ्ज़ों पे गौर होता, काश इस खेल में ना होती कोई हार जीत, दिल की दराजों में हम करते अभी छानबीन, काश अभी होते हम पुराने घर में, काश में ना रोज उठता नींद से डर के, काश के ये फासला थोड़ा और कम होता, काश मेरे दिल में कोई भी ना गम होता, काश के ये काश कहीं दूर जाके बस जाए, काश गम भूल के ये लब फिर से हंस पाए, काश अबू आज भी होते हमारे साथ में, कौन लगाए गले बाद ईद की नमाज के, काश के मैं लिख पाता क्या है कहानी, काश के तुम जानते जो तुम्हें भी पता नहीं, काश के ये काश के समंदर पार कर जाए, हसरतों के नीचे कहीं डूब के ना मर जाए, मैं सिर्फ अपना दिल इस गीत पे बहारा, तो अगर कुछ गलत लगे माफ करना जाने देना, मैं खुद भी हूँ तंग अपने आप से, समझ लेना कर मैं ना दे सकूँ जवाब, काश सांस ले सकते डूब के तो आज मेरा दोस्त कामरान होता साथ में, काश लोग देख लेते मुड़ के तो आज कितने रिश्ते छूटते ना हाथ से, काश के ना टूटते बचपन के खिलौने, काश मिल जाते शहरों के कोने, काश के ना टूटते बचपन के खिलौने, काश मिल जाते शहरों के कोने, में नुसरत साहब के सवाल से भी तंग, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, काश मुझे आता रंगों में बसने का ढंग, तो आसपास के लोग मुझसे होते न तंग, मैं इतने सालों बाद भी वही गम सुना रहा, तंग नहीं हुए क्या तुम सब मेरी जात से, मैं अपने शैतानों को कब से सुला रहा, जागे हुए बैठे हैं वो सब पिछली रात से, एक बचपन का दोस्त जो के चला गया कराची, आज तक उसकी कोई खबर या पता नहीं, अली शेर अगर मेरा ये गीत तो तक पहुंच जाए, जब यादें टटोलूं भाई तू अक्सर याद आए, तुझसे भी वैसे ही रब्ता नहीं हो पा रहा, जैसे मेरे अबू तक पैगाम नहीं पहुंच पा रहा, अबू मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका, आपके सब ख्वाब मैं पूरे नहीं कर सका, अब जब सब के आप इतने करीब हो, पूछना बनाया मेरे बेटे को अजीब क्यों, अभी आपका दिया हुआ वादा नहीं तोड़ा, मैं रख रहा ख्याल मैं छुप छुप के रो रहा, पर सच्ची जो बात मेरा दिल नहीं लगता है, सांस की है कमी लगे दम घुटे, दुनिया में रह रहा हूँ सिर्फ घर वालों की खातिर, वरना एतराज नहीं कर रुक जाए सांस से, मैं सिर्फ अपना दिल इस गीत पे बहारा, तो अगर कुछ गलत लगे माफ करना जाने देना, मैं खुद भी तंग अपने आप से, समझ लेना कर मैं ना दे सकूँ जवाब, मैं सिर्फ अपना दिल इस गीत पे बहारा, तो अगर कुछ गलत लगे माफ करना जाने देना, मैं भी खुद तंग हूँ। पिशावर के इलाके फकीराबाद के चार दोस्त इतवार की छुट्टी मनाने दरियाए सर दरियाब गए, जहां कश्ती उलट गई, इसहाक अली और कामरान दरिया की बेरहम मौजों की नजर हो गए, क्योंकि इतला मिलते ही अहले खाना पर कयामत टूट पड़ी। अमेजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ बीट्स एंड म्यूजिक, और जिस तरीके से इन्होंने अपनी कहानी बयां करी, ये बहुत गजब का कॉम्बिनेशन था। एक राजस्थानी बीट होती है, वो वाली बीट्स इसके अंदर थी, मतलब जो सितार, और एक यार मेरे को उस इंस्ट्रूमेंट का नाम याद नहीं आ रहा, पर राजस्थान में बहुत ज़्यादा वो यूज़ होता है,
वो ट्यून्स इसके अंदर थी, तो मैं आज टुडे आई एम ओवरवेल्म्ड। और इन्होंने गाने के अंदर लिरिक्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, पर एक लाइन उन्होंने बोली कि नुसरत साहब की, वो बात इन्हें बहुत अब समझ में आती है, याद आती है बार बार, कि कब होंगे इस दुनिया के गम कम। दिस इज वेरी ट्रू। मतलब आप बहुत बार ऐसा होता है, हम खुश होते हैं बट फिर हमें एकदम से कोई दुख हो जाता है कि यार वो सामने जो बैठा है वो कितना गरीब है, या उसके किसी यंग इंसान की डेथ हो जाती है उसकी फैमिली में, तो हमको बहुत दुख होता है। और हमारे साथ भी, मतलब सबके साथ कोई ना कोई घटना होती रहती है उसकी लाइफ में। तो ये जिंदगी क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है कभी कभी, कि यार ये खुशी है, दुख है, क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। और ऐसे गाने हमें बहुत ज़्यादा, एक तो नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग दे देते हैं, क्योंकि मुझे नॉस्टैल्जिक फीलिंग हुई बचपन में। मैं इसी तरीके की बीट्स वाले, एक तो इंग्लिश सॉन्ग सुनती थी और दूसरे ये वाले जो राजस्थानी सॉन्ग्स होते हैं, एकदम आई लव्ड इट। दिस वॉज नॉट अ राजस्थानी सॉन्ग, ये एक प्योर उर्दू रैप था, पर इट वॉज क्रेजी। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है ये गाना दिल से। जब ये गाना स्टार्ट हुआ तो मुझे, मतलब एक एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि इसकी ये बीट्स होने वाली हैं। आई एम वेरी अमेज्ड बाय दीज बीट्स। और गाने के एंडिंग में वही एक बताया कि जो हादसा हुआ उसकी रिपोर्टर ने जैसे लाइन पढ़ी हो उस हादसे की, वो हुई और द सॉन्ग इज ओवर। मतलब ये गाना बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप का था और बहुत अच्छी बीट्स थी। मतलब एक जो डिलेमा है ना इस लाइफ का, अपनी जिंदगी का जो डिलेमा है, उसके ऊपर ये बेस था। एंड गाने ने बहुत ज़्यादा मुझे आज दिल से, मतलब एक फीलिंग्स जो आपकी निखर कर आती है ना कभी कभी किसी किसी सॉन्ग को सुन के, वो मेरे को अभी फील हो रहा है राइट नाउ। आई वॉज वेरी जॉली व्हेन आई स्टार्टेड दिस सॉन्ग, बट नाउ आई एम नॉट जॉली। मतलब आई एम अ बिट इमोशनल, थोड़ा प्यार आ रहा है अपने घर वालों पर, थोड़ी मुस्कुराहट आ रही है चेहरे पर, दिल में थोड़ा सा दर्द है, थोड़ा सा दुख है। अगर आपको भी ऐसा फील होता है इस गाने को सुनने के बाद, या इस तरीके का कोई भी गाना सुनने के बाद, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड हाउ मच यू लव द सॉन्ग, आपको कितना पसंद आया प्लीज़ मुझे बताइए आप। और इनके और गाने सजेस्ट करिए, क्योंकि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई एम अ फैन गर्ल पहले ही सॉन्ग में। इफ सनी खान दरानी जी इज वॉचिंग दिस, आपके सॉन्ग कितने इम्पैक्टफुल होते हैं। आई डोंट नो अबाउट अदर सॉन्ग्स, पर ये गाना इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल था, आई एम ओवरवेल्म्ड इस गाने को सुन के। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अ सॉन्ग लाइक दिस, यू आर अमेजिंग। लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन गाइज, एंड सब्सक्राइब मी ऑन माई अनदर यूट्यूब चैनल, और बहुत तगड़े तगड़े वीडियोज आने वाले हैं उस पर भी, ठीक है। बाय बाय, दिस इज किलाया रिएक्ट्स। आई लव्ड सनी खान दरानी जीज वॉइस, एंड प्लीज सजेस्ट सम मोर सॉन्ग्स इन द कॉमेंट सेक्शन। बाय बाय।